please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रक्षा हाड़ा के रहस्य तक आपको पहुंचाने के बिल्कुल करीब इस वक्त हम लोग हैं। ये इतना छोटा रास्ता है लेकिन खतरा बहुत है। हमको ये नहीं पता कि आगे रास्ता बंद है या खुला हुआ है। अबूझमाड़ के इन अबूझ पर्वतों को पार कर हजारों फीट गहरी खाई तक नीचे पहुंचने का सबसे दुर्गम और खतरनाक सफर। पंद्रह बीस मिनट से खिसक रहे थे और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद नहीं है क्योंकि वहाँ कैमरा चलाने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ पर आप सिर्फ लेट के गुजर सकते हैं। झरने की चट्टानों पर चारों तरफ काई जमी हुई है जिसकी वजह से इन चट्टानों पर काफी फिसलन है। सर सर सर, ये कुटमसर गुफा का वो पड़ाव है जहाँ से हमको नीचे की तरफ उतरना है। 100 फीट के करीब गहराई है। अगर यहाँ से हमारा पैर फिसलता है तो हम 2000 फीट नीचे इस गहरी खाई में गिरकर मौत के मुंह में समा जाएंगे। आखिरकार हम आपको ले ही आए हैं। दो कहानियां यही पर है। दो रिपोर्टर जिसे अभी तक कोई जुड़ नहीं पाया। दो रास्ते और दो ऐसी मंजिलें जहां इससे पहले कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। ये कहानियां हैं श्रीराम की, श्रीराम के निशानों की, जो करीब 7,500 साल से देश की नजर से दूर है। हम निकल पड़े थे घने जंगल के बीच एक ऐसे पर्वत की तलाश में जिसका जिक्र रामायण में हुआ, रामचरितमानस में हुआ। एक ऐसा पर्वत जो चट्टानों से नहीं, उन राक्षसों की हड्डियों से बना था जिनका वध श्री राम ने किया था, जिसे आज तक सिर्फ चंद आदिवासियों ने देखा है, जिसका रास्ता सिर्फ गांव के कुछ लोगों को पता है। ये सफर है एक ऐसी गुफा का भी जहां श्री राम ने वनवास के करीब 10 साल बिताए थे। एक ऐसी गुफा जहां श्री राम का शयन कक्ष मौजूद है, जहां वो शिवलिंग भी दिखता है जिसकी स्थापना खुद भगवान राम ने की थी। लेकिन चंद शोधकर्ताओं को छोड़कर आज तक कोई इंसान उस गुफा के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया। आज आप भी देखेंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जो त्रेता युग से हूबहू मौजूद हैं। आज आप भी साक्षी होंगे उन निशानियों के जिनकी रामायण भी गवाह है। देश के सबसे घने जंगल के बीच, नदी के उस पार, उन दुर्गम रास्तों से होकर एक ऐसा अनदेखा धाम जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा। रामचरितमानस में श्री राम से जुड़ी ऐसी तमाम कथाओं का जिक्र है जिनमें कहा गया है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने दंडकारण्य में राक्षसों का संहार किया था। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि हमें जिस पर्वत के बारे में बताया गया वो भी उन्हीं कथाओं का एक हिस्सा है? ये दावे सुनकर हमें यकीन नहीं हुआ। सोचा, अगर वाकई ऐसा है तो फिर आज तक उस पर्वत की जांच क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात यह कि हमें आज तक उस पर्वत का पता क्यों नहीं? आदिवासियों ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ गिने चुने आदिवासी समुदायों को छोड़कर आज तक कोई इंसान वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। वहां तक जाना आसान भी नहीं है। घने जंगल के बीच रास्ता भटकने का डर होता है, जंगली जानवरों के हमले का डर होता है। ना कोई सड़क है, ना कोई पगडंडी। कहीं पहाड़ी चट्टानों पर चलना है, कभी नदी को पार करना है, यानी हमारे लिए मंजिल आसान नहीं थी। लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाई और हम निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जिसका हर मोड़ एक नई चुनौती था।
ये सफर है अबूझमाड़ पर्वत श्रृंखला का। अबूझमाड़ यानी जो पर्वत श्रीराम के लिए भी अबूझ पहेली बन चुके थे। हमें तलाश थी उस पहाड़ की जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में तो है, लेकिन उसकी तस्वीरें आज तक कभी सामने नहीं आईं। उस जगह का नाम है रक्षाहाड़ा, यानी वो पर्वत जो रामायण की कथा में हजारों राक्षसों की हड्डियों के ढेर से बना था, जहां उन राक्षसों के जीवाश्म आज भी भगवान राम के पराक्रम की गवाही देते हैं। अबूझमाड़ हजारों किलोमीटर में फैले हुए दंडकारण्य के जंगल की यही वो अंगूझी पर्वत श्रृंखला है जिसे अभी तक कोई बूझ नहीं पाया। चार राज्यों की सीमा से लगे हुए अबूझमाड़ के इन पर्वतों में कोई व्यक्ति अगर एक बार घुस जाए तो उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो कब कहां और किस राज्य में वापस निकलेगा। नमस्कार, मैं आदित्य राय आपको लेकर आया हूँ देश की राजधानी दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर अबूझमाड़ के इन पर्वतों के बीच ऐसी ही एक अनबूझी और अनसुनी हुई कहानी के रहस्य तक पहुंचाने के लिए जहां पर अभी तक कोई भी टीवी कैमरा नहीं पहुंच पाया है। वैसे तो दंडकारण्य में राम से जुड़ी कई कहानियां हैं और हर कहानी से जुड़े तमाम आश्रम और तमाम गुफाएं भी हैं जहां वनवास के दौरान श्री राम के शरण लेने की बात कही जाती है, लेकिन हमने उन निशानियों को नहीं चुना। हम एक ऐसी जगह की तलाश में निकले जहां पहुंचने की कोशिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हमारी मंजिल थी नक्सलियों के गढ़ नारायणपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर रक्षाहाड़ा, जहां एक पर्वत है और दावा यही है कि वो पहाड़ राक्षसों के जीवाश्म से बना है। सवालों की कश्मकश के बीच हम अपने पहले पड़ाव यानी नारायणपुर पहुंचे। चौराहे पर लोगों की भीड़ जुटी थी। कुछ देर चर्चा की तो पता चला कि यहाँ के लोग कभी रक्षाहाड़ा गए तो नहीं, लेकिन उसके बारे में जानते जरूर हैं। लोगों ने बताया कि उस पर्वत का असली नाम राक्षसहाड़ा था, यानी राक्षसों की हड्डियां, जो बाद में रक्षाहाड़ा कहलाने लगा। हर शख्स की जबान पर बस एक ही कहानी थी कि कोई पहाड़ है जो राक्षसों के कंकाल से बना हुआ है। उस पहाड़ में पूरे पहाड़ भर हड्डियां बिखरा हुआ ऐसा दिखाई देता है। कुछ लोग जो गए हैं वहां से जो वहां की अवशेष हड्डियां लाए और उसको जलाने के बाद जो उससे धुआं निकली, उस धुएं में हड्डी के जलने की सुगंध आती है। गांव के लोग हमें बार बार रक्षाहाड़ा न जाने की चेतावनी दे रहे थे। बताया जा रहा था कि वो इलाका नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ है। नक्सलियों से बचे तो जंगली जानवरों का खतरा है, जानवरों से भी बच गए तो अबूझमाड़ की भूल भुलैया हर कदम पर इम्तिहान लेती रहेगी। वहां पहुंचना तो बहुत दुर्गम क्षेत्र होने के कारण खाई है, वहां पहुंचना मतलब मौत के मुंह में जाना है। नारायणपुर की इंसानी बस्ती को पार करते हुए हम जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जवानों की गश्त दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी, क्योंकि कुछ देर के सफर के बाद हम उस इलाके में होंगे जिसे लाल आतंक की राजधानी माना जाता है। रक्षाहाड़ा के रहस्य तक पहुंचने के लिए हमें घनघोर नक्सली इलाके से गुजरना पड़ रहा है। ये आरटीबीएफ के जवान हैं जो इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। इस इलाके में नक्सलियों का राज चलता है, नक्सलियों के खौफ वाला ये इलाका है। डर तो था, लेकिन इन रास्तों पर आगे बढ़ने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था।
कुछ देर और चले तो पक्की सड़क गायब हो चुकी थी और कच्चे रास्ते अब हमारे हमसफर बन चुके थे। चारों तरफ जंगल था, कहीं झरने गिर रहे थे तो कहीं घने पेड़ों के बीच सूरज आंख मिचौली खेल रहा था। पता चला कि इस बस्ती में पुलिस का आखिरी कैंप है, यानी इसके आगे पुलिस का कोई पहरा नहीं होगा। अभी 2 किलोमीटर ही चले थे कि रास्ता खत्म हो गया। आगे घना जंगल था और रक्षाहाड़ा पर्वत की तलाश में हमें अभी एक लंबा रास्ता पैदल तय करना था। सुरक्षा बलों के आखिरी कुकड़ाझोर कैंप से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहीं से शुरू होती है नक्सलियों की राजधानी अबूझमार के जंगलों की सरहद। राम और राक्षसों के बीच हुए युद्ध का रहस्य जानने के लिए अब हमें हमारी गाड़ी को यहीं छोड़कर इन जंगलों का पैदल सफर तय करना होगा और यहीं से शुरू होता है अबूझमार के इन अबूझ पर्वतों को पार कर हजारों फीट गहरी खाई तक नीचे पहुंचने का सबसे दुर्गम और खतरनाक सफर। आधी हकीकत आधा फसाना। रक्षाहाड़ा पर्वत की खोज में हम दंडकारण्य के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच चुके थे। घने जंगल के बीच रास्ता खत्म हो चुका था। इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं था, न कोई मदद करने वाला था, न कोई मंजिल का पता बताने वाला। इस बड़ी कहानी को तलाशने के जुनून में हम इतना आगे निकल चुके थे कि वापस आना भी नामुमकिन था। और कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें बयां करते वक्त भी रूह कांप उठती है। न जाने कौन सा कदम गलत साबित हो जाए। न जाने किस मोड़ पर नक्सलियों से सामना हो जाए। न जाने कौन सी आहट जंगली जानवरों के हमले का सबब बन जाए। हर खौफ को दिल में छिपाकर हम बढ़ते रहे। चंद कदमों के बाद ही अंदाजा लग गया कि इन पर्वतों को अबूझमार क्यों कहते हैं। अबूझमार के जंगल सही में इतने अबूझ है कि इन्हें पार कर पाना नामुमकिन है। हम लोग करीब 2 घंटे का सफर तय करके एक पहाड़ की चोटी पर अभी पहुंचने ही वाले थे कि अचानक आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह से पहाड़ पे आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अबूझमार की भूल भुलैया में मंजिल के रास्ते ढूंढना लगभग नामुमकिन था। न कोई पता बताने वाला था, न कोई रास्ता दिखाने वाला। करीब 4 घंटे तक जंगल में भटकने के बाद हमें उम्मीद की पहली किरण दिखाई दी। वो किरण थी ये सूखा हुआ झरना। सोचा अगर इस झरने के सहारे ऊपर चढ़ा जाए तो रक्षाहाड़ा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस घनघोर जंगल की भूल भुलैया में कई घंटों तक भटकने के बाद आखिर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने की एक छोटी सी किरण दिखाई दी है। यह है इस जंगल का एक झरना जो अब सूख चुका है। ये झरना शायद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से बहता है और पानी के तेज बहाव की वजह से ही इस जगह पर जमीन के बीचों बीच यह कटाव बना है और अब ये सूखा हुआ झरना ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र आसरा और रास्ता दिखाई दे रहा है। इस झरने के सहारे हम पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ते रहे। हालांकि जितना सोचा था यह रास्ता उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। पहाड़ का हर मोड़ एक नया इम्तिहान ले रहा था।
इन रास्तों पर जहन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि अगर वाकई श्री राम इन्हीं रास्तों से गुजरे थे तो उस दौर में ये सफर कितना मुश्किल रहा होगा। हम चंद कदम और बढ़े थे कि इस घाटी में कुछ आवाजें सुनाई दी। शायद ये इंसानों की आवाजें थी जिन्होंने एक पल के लिए धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी। कहीं हमारा सामना नक्सलियों से तो नहीं हो गया? थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला कि ये नक्सली नहीं, जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी हैं, जो यहाँ लकड़ियों की तलाश में आए थे। जंगल में क्या खाए हो भाई? हम लोग इता मत इता कक्का ना कुवातरो आयो मत इता कक्को इतरो इते कोई सिन इता लोन दाए ना और इता बात रक्षा। थोड़ी बातचीत हुई तो हमें रक्षा हाड़ा तक पहुंचने का सही पता भी मिल गया। एक पहाड़ पार करके दूसरा पहाड़ और चढ़ना पड़ेगा। एक पहाड़ नहा के दूसरा पहाड़ और चढ़ना और फिर नीचा बहुत गड्ढा है। अच्छा, खाई है? हाँ। आदिवासियों के बताए रास्ते पर हम आगे बढ़ चले, लेकिन यहाँ भी मुश्किल कम नहीं थी। जंगल के खतरनाक रास्ते पर गिरते संभलते हम आगे बढ़ रहे थे। करीब 8 घंटे बीत चुके थे लेकिन मंजिल अब भी दूर थी। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। बारी अब नीचे उतरने की थी। इस खाई में कुछ देर के सफर के बाद पानी की एक धारा दिखाई दी। इस थका देने वाले रास्ते में यह धारा हमारे लिए एक सुकून थी और यह इशारा भी कि हम सही रास्ते पर हैं, यानी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। हमने श्रीराम की उन निशानियों की तलाश तेज कर दी। हमारा एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन इन खतरों से बचकर हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर और बढ़ते ही एक पहाड़ी नदी सामने थी। लोगों ने बताया था कि रक्षाहाड़ा का वो पर्वत इसी नदी के पास मौजूद है, इसलिए उम्मीद फिर जमा हुई। आगे के सफर के लिए अब हमें नदी के इन पथरीले रास्तों पर चलना था। एक एक कदम मीलों से लंबा महसूस हो रहा था। कई बार पैर लड़खड़ा तो कई बार जख्मी भी हुए। चोट लगी, माइक टूटा, लेकिन हमने मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद नहीं छोड़ी। एक फिसलन भरी चट्टान से फिसलने की वजह से हमारा माइक जो है वो पानी में पूरी तरीके से भीग चुका है। हमने इसे अभी सुखाने के लिए रखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी एक गंभीर चोट आई है। नदी के किनारे करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद वो वट वृक्ष हमारे सामने था। माना जाता है कि यही वो वट वृक्ष है जिसे श्रीराम ने राक्षसों के वध के बाद लगाया था ताकि वो दोबारा जीवित न हो। अगर वो कहानियां सच्ची हैं तो इस वटवृक्ष के नीचे जो चट्टाने हैं वो राक्षसों की हड्डियां हैं। बताया जाता है कि कुछ बरस पहले तक इन चट्टानों के बीच एक गुफा भी दिखाई देती थी जो वक्त के साथ बंद हो चुकी है।
अबूझमार के जंगल में सारी झकझोर देने वाली बाधाओं और मौत के डर को पार करने के बाद आखिरकार हम आपको ले ही आए हैं 7,000 साल पुराने उस रहस्य तक, जहां पर अभी तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। और प्राचीन मान्यता के अनुसार यही वो वटवृक्ष है जिसे 7,000 साल पहले भगवान राम ने अबूझमार के इन जंगलों में बोया था। हम काफी देर तक इस पर्वत की पड़ताल करते रहे, सोचते रहे कि क्या ये वाकई वही पर्वत है जिसका जिक्र रामायण में किया गया। क्या वाकई ये पर्वत उन राक्षसों की हड्डियों से बना है जिनका वध खुद श्री राम ने किया था। एक बात तो थी, इस पर्वत की कुछ चट्टानें आसपास की चट्टानों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन सिर्फ इन चट्टानों को देखकर यह कहना मुश्किल था कि यह सब कुछ राक्षसों के जीवाश्म से बना है। साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब हजारों हड्डियों का ढेर किसी एक जगह पर कई हजार वर्षों तक इसी तरीके से खुले में पड़ा रहे तो वातावरण के साथ मिलकर, इन चट्टानों के साथ मिलकर, पानी के साथ मिलकर वो इसी तरीके से फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म में तब्दील हो जाता है। लेकिन चट्टानों में तब्दील हो जाने के बावजूद हड्डियों का ये ढेर अपना गुणधर्म नहीं छोड़ता और इन चट्टानुमा जीवाश्म को जलाने के बाद इनसे हड्डियों की तरह ही दुर्गंध आती है। लोगों ने बताया था कि रामायण के इस सबूत को परखने के लिए कोई भी इंसान एक आसान प्रयोग कर सकता है। मतलब ये कि अगर इन चट्टानों को आग के हवाले किया जाए तो चट्टान जल उठती और चट्टान के जलने से कुछ वैसी ही महक आती है जैसी हड्डियों को जलाने पर आती है। आम तौर पर किसी पत्थर का जल उठना मुमकिन नहीं होता, इसलिए हमने भी इस प्रयोग को आजमाने का फैसला किया। आसपास से कुछ लकड़ियां जुटाई और इस दावे को आजमाना शुरू किया। हमने जंगल से ही कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर उसका ढेर यहाँ पर लगा लिया है और यही चट्टान नुमा फॉसिल्स के टुकड़े हैं जो राक्षसों की हड्डियाँ कहलाई जाती है। अब लकड़ियों के इस ढेर को आग लगाकर हम इन फॉसिल्स को, इन जीवाश्म को इन लकड़ियों पर जलाएंगे और देखेंगे कि इन फॉसिल्स से, इन चट्टानों से सही में हड्डियों की बू आती है या नहीं। लकड़ियां जो है वो अब अच्छी तरीके से जल चुकी है और अब जो है लकड़ियों में लगी है आग वो जल्द बुझेगी नहीं। अब मैं ये प्राचीन मान्यता के अनुसार राक्षसों की हड्डियों से बना हुआ ये जीवाश्म इन लकड़ियों पर रखता हूँ और कुछ देर बाद जब यह जीवाश्म धीरे धीरे आग पकड़ेगा और उसमें भी जलने की प्रक्रिया शुरू होगी तो यह अपनी एक अलग दुर्गंध छोड़ेगा। अगर इस पत्थर में से, चट्टान नुमा इस जीवाश्म में से अगर हड्डियों के जलने की बू आती है तो प्राचीन मान्यता और गांव वालों ने जो किस्से कहानियां हमें सुनाए थे उन किस्से कहानियों को बल मिलता है। ये चट्टान अब पूरी तरह आग के हवाले हो चुकी थी। हमने काफी देर तक इंतजार किया। शुरुआत में लगा जैसे ये कहानियां सिर्फ लोगों की कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता कहानी बदलती हुई दिखाई दी। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद वो चट्टान वाकई जलने लगी और ठीक वैसी ही महक आने लगी जैसी हड्डियों के जलने पर आती है। खुद की आंखों पर यकीन करना मुश्किल है, नामुमकिन है कि कोई पत्थर भी कभी जल सकता है। पिछले एक घंटे से हम लोग इस चट्टान नुमा पत्थर को जो है लकड़ियों के ढेर पर रखकर जला रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि चट्टान नुमा इस फॉसिल्स ने
आग पकड़ ली है, आग जल रही है और इसके साथ वो एक अजीब सी दुर्गंध भी छोड़ रहा है और ये दुर्गंध उसी तरीके से है जिस तरीके से हड्डियों को जलाने के बाद दुर्गंध आती है। ये जो कुछ भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। हो सकता है कि विज्ञान के तर्क इस रहस्य को सुलझा भी लें, लेकिन ऐसा करना बेमानी था क्योंकि हम किसी रहस्य को सुलझाने नहीं आए थे। हम उन निशानियों को तलाशने आए थे जिनका जिक्र रामायण में किया गया, और शायद ऐसी ही एक निशानी हमारे सामने थी। अब बारी है हमारी दूसरी कहानी की। रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने वनवास के करीब 11 साल दंडकारण्य के जंगल में बिताए थे। इस दौरान श्री राम अलग अलग आश्रमों, अलग अलग गुफाओं में रहे थे। भगवान राम के वनवास की बहुत सी निशानियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब भी ऐसी तमाम कहानियां हैं जो इंसानी नजर से दूर हैं। ये कहानी भी कुछ वैसी ही थी। हमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जंगल में कोटमसर नाम की एक गुफा है जिसकी खोज 1958 में एक भारतीय शोधकर्ता ने की थी, जिसके बाद कुछ और शोधकर्ता उस गुफा में गए और दावा हुआ कि गुफा के आखिरी छोर पर एक अद्भुत शिवलिंग है। दावा होता है कि यह वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना खुद श्री राम ने की थी। रामायण में भी उस शिवलिंग का जिक्र हुआ है। तो चलिए आज चलते हैं जमीन से 150 फीट नीचे घनघोर अंधेरे के बीच एक ऐसी मंजिल की तलाश में जिसकी हर तस्वीर आपको भी अचंभे में डाल देगी। मंगल भवन अमंगलहारी। 14 साल के वनवास में भगवान राम कहां कहां गए, कहां कहां रहे, रामचरितमानस में हर कथा का जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया कि भगवान राम ने 14 बरस के वनवास में तकरीबन 10.5 साल दंडकारण्य वन में बिताए। रामायण से जुड़ी निशानियों के मुताबिक दंडकारण्य वन का नक्शा कुछ ऐसा था। मौजूदा दौर में देखें तो ये वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैले थे। भगवान राम से जुड़ी कहानियों के कई सच्चे सबूत दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी देश की नजर से दूर हैं। ऐसी ही एक कथा को तलाशने हम भी निकल चुके थे। हमारी मंजिल थी छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर बस्तर। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि शहर में हमारा स्वागत कुदरत की ऐसी बेपनाह खूबसूरती के साथ होगा। अगर आप इस मुल्क के ताने बाने को सुलझा कर देखेंगे तो हर धागे पर एक नाम आपको जरूर नजर आएगा, वो नाम है राम का। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज हम भगवान राम से जुड़ी कुछ ऐसी निशानियों की तलाश में आए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या वो शिवलिंग आज भी मौजूद है जिसकी पूजा खुद राम ने की थी? क्या वो गुफा आज भी है जहां पर भगवान राम ने अपने वनवास के 10.5 साल बिताए? करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम उस जगह तक पहुंचे जहां से असली इम्तिहान शुरू होना था। दिल में एक अजीब से खौफ के साथ हम गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के भीतर पहला कदम रखते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। न रोशनी की कोई किरण, न रास्ते का कोई अंदाजा। दो कदम अंदर आने के बाद से यहां पर इतना खूब अंधेरा है कि आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। आप मुझे देख पा रहे हैं हमारे कैमरे की लाइट की वजह से, और आगे हर कदम चलना बेहद मुश्किल काम है। ये सब कुछ तो सिर्फ शुरुआत थी। गुफा का वो पड़ाव था
जहां पर्यटक आसानी से जा सकते हैं। आगे का सफर तमाम चुनौतियों से भरा था। हमें बताया गया कि भगवान राम के हाथों से बनाया गया वो शिवलिंग गुफा के आखिरी छोर पर है, जिसके लिए हमें जमीन से 100 फीट नीचे जाना होगा। ये इतना छोटा रास्ता है, लेकिन खतरा बहुत है। हमको ये नहीं पता कि आगे रास्ता बंद है या खुला हुआ है। हो सकता है आगे ऑक्सीजन बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद हो, जिसकी वजह से दम घुट सकता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक कदम है जो मैं उठाऊंगा, और बहुत देर से मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं थोड़ी दूर जाके देखूंगा, देखता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। जमीन से सिर्फ 2 फीट का रास्ता, आगे जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन रामायण से जुड़ी उस अद्भुत कहानी की तलाश में हम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। यहाँ पर आप सिर्फ लेट के गुजर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उठ के जाने की कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ जो पत्थर है आपके जिस्म को फाड़ के रख देंगे। पैर लड़खड़ा रहे थे, चट्टानों से रिश्ता पानी आने वाली मुसीबत का इशारा कर रहा था। सबसे बड़ा डर था कि कहीं गुफा में आगे का रास्ता पानी में डूबा ना हो। गुफा में बार बार बस यही ख्याल आता रहा कि अगर आज के दौर में भी नीचे तक उतरना इतना मुश्किल काम है, तो उस जमाने में यहां क्या हाल होता होगा। तो दुनिया के सबसे पुराने शिवलिंगों में से एक, या खुद यूं कहें कि भगवान राम ने जिस शिवलिंग को स्थापित किया था, उसकी तलाश की हमारी जो पहली मुश्किल है वो हमारे सामने है। ये कुटमसर गुफा का वो पड़ाव है जहाँ से हमको नीचे की तरफ उतरना है। 100 फीट के करीब गहराई है, और आप देखिए यहाँ कदम संभाल के तो रखना है आपको, और साथ के साथ आपको अपना सर, अपने हाथ पांव, हर चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आप कहाँ उतर रहे हैं, और एक एक कदम जो है वो बेहद मुश्किल से आप लेते हैं। चारों तरफ से ये इस तरह के पत्थर निकले हुए हैं, और ये अगर आपके सर पे या किसी भी चीज़ पे लग जाए तो बहुत मुश्किल है फिर आपके लिए बचना, और ख़ासतौर से इन हालात में। गुफा के इन रास्तों पर आज तक सिर्फ शोधकर्ता ही पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी सहूलियत के लिए कुछ इंतजाम भी किए हैं, और यही इंतजाम हमारे लिए भी सबसे बड़ा सहारा थे। तो 15-20 फुट नीचे उतरने के बाद ये लोहे की सीढ़ी लगाई गई है, जिसके ज़रिए आप नीचे उतरते हैं। बहुत आसान बना दिया है, पहले रस्सी से उतरकर नीचे जाया जाता था, और इतना इनएक्सेसिबल रास्ता है कि आज भी मुझे नहीं लगता कि चंद लोगों के अलावा कोई भी इस गुफा में आ सकता हो। यहाँ बनी सीढ़ियाँ एक इशारा थी कि हम सही रास्ते पर हैं। शायद इन्हीं रास्तों से होकर शोधकर्ता भी उस शिवलिंग तक पहुंचते होंगे। आप इस रास्ते से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सालों तक, इतने दशकों तक ये गुफा लोगों की आंखों से उझल क्यों रही। एक एक कदम इसमें चुनौतीपूर्ण है। ये सारे इंतजाम होने के बावजूद भी ये पत्थर जो हैं ये आपके सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हल्की सी चोट आपके शरीर को काट के रख सकती है। बहुत शार्प, बहुत नुकीले पत्थर हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो मिथक है कि यहाँ पर आत्माएं हैं, वो मैं आपको बताऊं कि इतना घुप अंधेरा है इस गुफा में कि आप आगे का 1 इंच भी नहीं देख सकते। मैं अगर अपनी लाइट के ज़रिए अपने एक एक कदम को ना देखूं तो बहुत मुश्किल है कि मैं एक भी कदम यहाँ पर चल सकूं। चलिए, पास में ही पानी का एक कुंड है जहाँ दुनिया का एक और अजूबा मौजूद है। अब हम इस वक्त ज़मीन से 100 फीट नीचे हैं, और करीबन 300 मीटर हम लोग अंदर तक आ चुके हैं इस गुफा में। रोशनी मैंने आपको बताया कि है ही नहीं, और मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे नहीं।
मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि एक सेकंड के लिए अपनी लाइट बंद करें। अब आपको सिर्फ ये मेरी टॉर्च दिख रही है और ये देखिए, जला लीजिए। तो ये है हालत यहाँ पर, मतलब गुप्त अंधेरा, आप एक चीज भी नहीं देख सकते और इस अंधेरे में ये जिंदगी पनप रही है। ये पौधा मुझे छोटा सा यहाँ पर दिखाई दिया जहाँ रोशनी नहीं है, पौधों को रोशनी चाहिए होती है ज़िंदगी के लिए, और ये देखिए ये पौधा यहाँ पर पनप रहा है। मैंने इसके चारों तरफ ये पत्थर लगा दिए, मैं नहीं चाहता कि ये ख़राब हो, लेकिन ये देखिए ये अपने आप में एक करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। ये रिसर्च करने के लायक एक चीज़ है कि आखिर इस गहरी गुफा में ये पौधा कैसे पनप रहा है। गुफा का हर मोड़ एक नया अचंभा बनकर सामने था। भटकते भटकते हम गुफा के उस पड़ाव तक आ पहुंचे जिसे भगवान राम का शयन कक्ष माना जाता है। एक बड़ा सा गलियारा, एक पलंग जैसी आकृति, एक विशाल काय कुर्सी और चारों तरफ कुदरत की खूबसूरत सजावट। आपके सामने एक बहुत बड़ा शयन दिखाई दे रहा है, एक शैया दिखाई दे रही है, एक आराम कुर्सी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको छोटी 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 चीज़ें दिखाई देंगी इस तरह की। ये भगवान राम की वानर सेना है। भगवान राम इस गुफा में थे और उनकी वानर सेना उनके साथ यहीं पर मौजूद थी, और वो सभी वानर अभी भी यहाँ पर इन पत्थरों के रूप में मौजूद हैं। लेकिन आप इस पूरी जगह को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी भव्यता कितनी है। अब बारी थी गुफा के आखिरी छोर तक पहुंचने की। रामायण काल से मौजूद उस अद्भुत शिवलिंग को पहली बार कैमरे में कैद करने की। गुफा के तंग गलियारों में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी जैसे हमारी सारी थकान दूर हो गई, वो शिवलिंग हमारी आंखों के सामने था। वाकई एक अद्भुत शिवरूप, जैसे इसे किसी इंसान ने ही तराशा हो। शिवलिंग पर लगे ये तिलक, ये चुनरी, सबूत थे कि यहां के आदिवासी आज भी इस शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। यहाँ पर वो पिंडी है, वो शिवलिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि खुद भगवान राम ने इस गुफा में इस शिवलिंग की पूजा की थी। यानी कि यहाँ की मान्यताओं को माने तो वनवास के दौरान भगवान राम इसी गुफा में रहे थे, इसी गुफा में उन्होंने अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी। लंका विजय के बाद भी भगवान राम की वानर सेना ने इसी गुफा में डेरा जमाया था। सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि राम कथाओं से जुड़ी इस गुफा में पहली बार कोई टीवी कैमरा पहुंचा है, पहली बार श्री राम के महादेव दुनिया के सामने आए हैं। जिन्हें विश्वास नहीं है वो इन कहानियों पर तमाम सवाल उठा सकते हैं, ये निशानियां कितनी सच्ची हैं इसके सबूत भी मांगे जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें भरोसा है उन्हें न किसी जवाब की जरूरत है न किसी सबूत की। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।